खत्म हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक। वाटर कैरियर को रेगुलर करने को मंजूरी। मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी दिहाड़ी। MIS के तहत समर्थन मूल्य 1.5 रुपए बढ़ाया। हिमाचल कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1207 वाटर कैरियर को रेगुलर करने को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 को 11 साल पूरा करने वाले वाटर कैरियर को नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने मिड डे मील योजना MDM के तहत स्कूलों में सेवाएं दे रहे कुक कम हेल्पर के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी करने को भी हरी झंडी प्रदान की है। इन्हें 1 अप्रैल 2023 से ही प्रति माह 3500 रुपये के बजाय 4000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इससे लगभग 12000 कुक कम हेल्पर लाभान्वित होंगे। MIS के रेट को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत सेब और आम की खरीद का समर्थन मूल्य 1.5 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इसे 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.5 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई। कैबिनेट ने हिमाचल के सामान्य क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी 224 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये और ट्राइबल एरिया की दिहाड़ी 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को ही की थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीण लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 12 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड धारक हैं जो इस योजना के तहत काम के लिए पात्र हैं। विधानसभा सत्र की डेट तय नहीं। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद तय हुआ है कि अगले 2-3 दिन भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए अभी मानसून सत्र बुलाने का सही समय नहीं है, क्योंकि अधिकारी व कर्मचारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द मानसून सत्र को लेकर निर्णय लेंगे। कैबिनेट ने काल का ग्रास बने लोगों को दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मीटिंग में भारी बारिश के कारण हुई जान माल की व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया गया तथा इस आपदा में काल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली 65,000 रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2,00,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य में सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में चयनित करने की मंजूरी। सुक्खू कैबिनेट ने 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेयरमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें अगले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा।